चलिए आज हम लोग भारतीय इतिहास में जो कि किरण पर आधारित बुक में उसमें अगला भाग पढ़ते हैं। पिछला भाग का वीडियो डाला हुआ है तो उसको देखें, उसके बाद अगला भाग इसमें पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या पहला प्रतात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, मतलब भारतीय इतिहास कहाँ कहाँ से मिलता है, पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है, साहित्यिक स्रोत से और विदेशी यात्रियों के विवरण से चलता है। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में पढ़ते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियों की सर्वाधिक प्रामाणिक इकाई है। तो पुरातात्विक स्रोत कितने हैं, कौन कौन है जो पढ़ते हैं, तो अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक एवं भवन हैं, मूर्तिकला है, चित्रकला और अवशेष है। ये छोबों से हम लोग पता चलेगा कि पुरातात्विक स्रोत में कहाँ कौन से काल में कौन सा मुद्राएं मिले, अभिलेख मिले कि, तो उसके बारे में हमको पता चलेगा कि काल कल कौन से वंश कब हुए। तो सबसे पहले अभिलेख के बारे में जानते हैं। अब ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभ, ताम्रपत्र, दीवारों और मुद्राओं और प्रतिमाओं पर उत्खनित होता है। अभिलेख कहाँ होता है उत्खनित, पाषाण के शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्र पर, दीवारों पर, मुद्राओं और प्रतिमाओं पर अभिलेख उल्लेखित होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं जो कि प्राकृतिक भाषा में है। अशोक का जो शिलालेख है वो सर्वाधिक पठनीय है और जो कौन सी भाषा में लिखी गई है, प्राकृतिक भाषा में। पूर्व में हैदराबाद राज्य में स्थित मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख जो कि कहाँ है, हैदराबाद में स्थित, पूर्व में हैदराबाद राज्य में स्थित मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख जो कि पूर्व में हैदराबाद राज्य में स्थित था लेकिन मध्य प्रदेश से प्राप्त यह अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। उसी में देवताओं को या प्रियदर्शी के राजा कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी के रूप में कहा जाता है मस्की एवं गुर्जर अभिलेख में। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मणी लिपि में। जो ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मणी लिपि। और पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अभिलेख जो कि खरोष्टी लिपि में, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी एवं अरमेक लिपियों का प्रयोग हुआ है। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सफलता मिली। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने कब, 1837 ईस्वी में पढ़ा। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कब मिले, 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन का। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो कि 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन का, जो मुहरों पर कैसा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित है, कहाँ किस पर अंकित है भाव चित्रात्मक लिपि, मुहरों पर। और जिनका प्रमाणिक पाठ अभी तक असंभव है, मैंने इसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। प्रथम श्रेणी के अभिलेख में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक राज्य देशों एवं निर्णय को सूचना जैसे अशोक के अभिलेख में है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय श्रेणी के अनुष्ठानिक उल्लेख हैं, द्वितीय श्रेणी के अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिन्होंने बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदाय के मतानुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फल को मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया। तृतीय श्रेणी के अभिलेख हैं जिसमें राजाओं के विजय प्रशस्ति एवं आख्यान है, लेकिन इनको दोषों का उल्लेख नहीं है।
महत्वपूर्ण अभिलेख। अब महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो कि शासक कलिंग राजा खारवेल के समय में बनाया गया था। और जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार अभिलेख के रूप में जाना जाता है, जो कि रुद्रदामन के ने बनवाया था सुदर्शन झील के बारे में जानकारी के लिए। और नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बल्लश्री और सातवाहनों की उपलब्धियों के लिए बनाया गया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के इसकी दिग्विजय की जानकारी मिलती है। और ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखी गई, पुलकेशिन द्वितीय शासक थे। मंदसौर अभिलेख के शासक किसके शासनकाल में लिखा बनाया गया, मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में। यानी ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंद गुप्त हूणों पर विजय के विवरण के बारे में लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख पे। फिर है देवपाड़ा अभिलेख पे बंगाल शासक विजय सेन के बारे में लिखा गया है देवपाड़ा अभिलेख में। उसके बाद है बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख जो कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबनी अभिलेख में। फिर है बालघाट और कार्ले अभिलेख जो कि सातवाहनों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियों के बारे में दर्शाया गया है। एवं भारहूत प्रकार के अभिलेख शुंग नरेन खु शब्द खुदे होंगे और शुंगों द्वारा निर्मित यह अभिलेख है। और देवपाड़ा अभिलेख जो कि बंगाल शासक विजय सेन के बारे में लिखा गया है देवपाड़ा अभिलेख में। उसके बाद है गैर राजकीय अभिलेख में यवन राजदूत हेलियोडोरस तथा बेसनगर विदिशिया से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। गैर राज इसमें क्या हम लोग को जानना है, इसमें जानना है जैसे यवन राजदूत कौन थे, हेलियोडोरस यवन राजदूत था जो कि बेसनगर विदिशा से कौन सा स्तंभ प्राप्त हुआ, गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ। और कब कौन से ईस्वी में, ईसा पूर्व था द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण भी मिला है। उसके बाद है एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, किसके बारे में, बराह भगवान पर हुन राज तोरमान का लेख अंकित है। भूमि अनुदान पत्र में क्या है, ये प्राय तांबे तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इसमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं ब्राह्मणों मंदिरों बिहारों जागीरदारों और अधिकारों को दिए गए गांवों भूमियों और रजस्व संबंधी दाने का विवरण है, जो कि प्राकृतिक संस्कृत तमिल और तेलुगु भाषाओं में लिखे गए हैं। भूमि अनुदान पत्र में क्या है, जैसे इसमें जानना है कि तांबे की चादर पर उत्कीर्ण किया गया है, इस पे तांबे की चादर पर कुछ लिखा गया, उसमें क्या है, उसमें लिखा गया कि राजाओं और सामंतों तथा भिक्षुओं ब्राह्मण आदि मंदिरों बिहारों और जागीरदार अधिकारियों को जो दिया गया है गांव भूमि और राजस्व संबंधी दान का विवरण लिखा गया, किसमें, तांबे की चादरों पे। और जो कि कौन कौन भाषा में लिखा गया, प्राकृतिक में, संस्कृत में, तमिल तेलुगु भाषाओं में लिखे गए हैं, इसमें यही सब जानकारी हमें मिलती है। और इसका अगला वीडियो हम लोग अगला भाग में बनाएंगे, इसके अगला भाग आगे पढ़ने के लिए, और पीछे जो वीडियो दिया हुआ उसको जरूर देखें तो अगला भाग समझ में आएगा बढ़िया।